और आखिरी दो मिनट हमने अल्लाह से दुआ करनी है। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो किधर से लोग हैं? लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, भीड़, मीडिया की टीम, सोशल मीडिया के इन्फॉर्म कहते हैं, ये भी जंग लड़ने वाले हमारे लोग हैं जिनके ऊपर नजर रखते हैं। इससे पीछे पिशावर किधर चला गया? पिशावर के लोग ये टेयर गैसिंग से तो नहीं डर गए? और मर्दान पीछे, मर्दान आगे, शेखोपुरा उधर, और ये हमारा बैठा हुआ है आगे से सारा मुजफ्फरगढ़ और ऐसा बात हो गया, ये सारा धीरे है। अच्छा धीरे सर। अच्छा जी खामोशी, जो बाहर भी जिनको मैं देख नहीं सकता, जो मुझे देख रहे हैं, जो बाहर हमारे तरीके साहब के टाइगर बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी आकर सलाम कर रहा हूं। चार सुधा किधर? अच्छा चार सुधा बहुत पीछे। अच्छा जी सुने आप, खामोशी, देखें कोई नारे नहीं, अभी नारे 10 मिनट रह गए हैं मेरे पाकिस्तानी और कारकुनों से। समय देगा देखे, हमारा मुल्क आज उधर खड़ा, वो दो रास्तों के बीच में खड़ा हो गया, एक बस बस आए सर, सुन लिया, एक तरफ तबाही का रास्ता, एक तरफ जंगल का कानून और तबाही का रास्ता, एक तरफ जुल्म और नाइंसाफी का रास्ता, एक तरफ वो रास्ता जिधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौम ताकतवर मुजरिमों को नहीं पकड़ती, ताकतवर जुर्म करने वालों को जेलों में नहीं डालती, सजा नहीं देती, और सिर्फ कमजोर चोरों को पकड़ती है, वो तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 1500 साल पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौम जिधर जुल्म होता है और नाइंसाफी होती है, और फिर से मैं कहता हूं, ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, इसको जुल्म का निजाम कहते हैं। ताकतवर मुजरिम एक माशरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो यहां से पैसे चोरी करके बाहर भेजता है, चोरी का नुकसान, और फिर जब मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजता है डॉलर लेके, दूसरा नुकसान करता है, डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है, जब रुपया गिरता है तो जो भी चीज आप बाहर से मंगवाते हैं, तेल, बिजली, गैस, कोयला, वो सब महंगी हो जाती है, वो जब महंगी होती है मुल्क में महंगाई हो जाती है, और मुल्क में महंगाई होती है गुर्बत बढ़ जाती है। तो ये जो ताकतवर डाकू है, ये जो बड़े बड़े अरबों रुपयों की इन्होंने प्रॉपर्टीज बाहर खरीदी हुई है, ये आपको एक पटवारी से एक थानेदार से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब पटवारी और थानेदार चोरी करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 भैंसे खरीद लेगा, चले घर ठीक कर देगा, लेकिन बाहर तो नहीं पैसा भेजता। जो ताकतवर लोग जब मुल्क में चोरी करते हैं वो मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, जो आज पाकिस्तान का है।